नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के इस अंक में। मैं हूं दीपिका। आइए सबसे पहले रुक करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। पूरा हिंदुस्तान निर्भया केस के आरोपियों के लिए मांग रहा है फांसी की सजा। पटियाला कोर्ट ने निर्भया केस मामले की सुनवाई टालने पर अब फिर से फांसी पर 17 दिसंबर को सुनवाई होने पर लोगों में गहरा रोष। हमीरपुर जिला के थाना क्षेत्र नादौन के तहत धनेटा क्षेत्र की एक युवती ने युवक पर बलात्कार करने का तथा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला आया सामने। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को पकड़कर गहनता से छानबीन की शुरू। बीजेपी विधायक रमेश धवाला ने फिर से जताई मंत्री बनने की इच्छा। धवाला ने कहा, अब ये सीएम जयराम ठाकुर के हाथ में है कि जयराम ठाकुर किसके नाम पर लगाते हैं मुहर। विपक्षी सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इससे पहले सवा नदी में रेत खनन के अवैध कारोबार का मुद्दा उठाते हुए सरकार से मांगा जवाब।